अरमान मंडल जी महोदय की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? इतने बढ़िया, बहुत अच्छा है। इतना गर्मी में कोई पानी पिला रहे तो बहुत अच्छे बात है। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत खुशी होता है। इतना धूप में कोई पिलाता है तो बहुत खुशी मिलता है। जोमेटो भाई बंधु हमारे जो है अरमान मंडल जी का सेवा क्या, बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये अच्छे के बहुत अच्छे हो रहा है। इधर जो मैं घूम रहा है, काम कर रहा है, कोई अगर हम लोग का देखेगा, इसे पानी पिलाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। खूब अच्छा काम है, खूब भालो। दादा कैमन लागे, सब जगह एरकम होवाटा उचित? उचित। थैंक यू भैया। टीटागढ़ के क्षेत्र में एक शानदार काम अरमान मंडली की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके अलावा और भी जो टीटागढ़ में बेरोजगारी है और अमन और शांति को बहाल रखने के लिए और भी उम्मीद करते हैं कि मंडल जी जो है और भी अच्छा काम करेंगे। नमस्कार, मैं इंडिया आई न्यूज से आपके साथ आ चुका हूं। फिलहाल मैं टीटागढ़ के क्षेत्र में हूं और 4 नंबर वार्ड के काउंसलर श्री अरमान मंडल जी महोदय की तरफ से आज ये जल वितरण, शरबत वितरण का कार्यक्रम आप देख सकते हैं मेरे पीछे। जैसे ही गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस गर्मी के माहौल को शांत करने के लिए, और जैसा कि आज फ्राइडे का दिन है, अभी अभी नमाज पढ़ के भी बहुत सारे भाई बंधु यहाँ उपस्थित हुए, आप देख सकते हैं। 4 नंबर वार्ड के काउंसिलर अरमान मंडल जी महोदय जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सभी को शरबत पिलाना, बतासे खिलाना, मुंह मीठा कराना और जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं सबको रोक करके, बसों को रोक करके भी वे लगातार इन्हें शरबत पिलाने का कार्यक्रम करते जा रहे हैं। कैमरा मैन से कहूंगा थोड़ा आगे की तरफ आए, आकर के दिखाए किस प्रकार से लोग जो है इन्हें सेवा का कार्य अरमान मंडल जी महोदय के द्वारा लगातार चलता जा रहा है। आगे की तरफ करके हम लोग दिखा पाएंगे इनको। ये आप देख सकते हैं 4वां वार्ड के काउंसिलर श्री अरमान मंडल जी महोदय जो अपने ही हाथों से शरबत वितरण का कार्यक्रम लगातार करते जा रहे हैं। अरमान भी नमस्कार सर, इंडिया आई न्यूज़ में आपका स्वागत। सबसे पहली बात, इतना शानदार काम, इतनी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का साथ आपके साथ है, आप लगातार जल वितरण कार्यक्रम, शरबत का कार्यक्रम करते जा रहे हैं, आपके मन में ये विचार कैसे अचानक? देखिए, गर्मी जिस तरह से यहाँ पर कलकत्ता बंगाल में जिस तरह से पहली बार गर्मी गिर रही है, ये काफी तात्मात्मा में है कि इंसान जो है धूप में देखिए रास्ता में नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग इंसानियत के नाते सेवा करने के लिए कि चंद थोड़ा पानी पिला सके और उनका आशीर्वाद ले सके, क्योंकि गर्मी में जो है आदमी को जगह जगह पानी नहीं मिलता है, किसी को व्यक्ति को किन के पीने पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग पानी पिला रहे हैं सबको, राह चलने वाले गाड़ी ड्राइवर को या रास्ते पर के जो भी हमारी बहन माँ आप बुजुर्ग जो जा रहे हैं, साइकिल रिक्शा भैन जो चीज है उनको हम लोग शरबत और बतासा का व्यवस्था किया गया। आप बतासे मुंह मीठा भी करा रहे हैं, साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि शरबत भी आपके साथ है। वैसे हम लोग देख रहे हैं रास्तों पर अलग अलग जगहों पर पानी वितरण कार्यक्रम है, लेकिन आपके तरफ से ये शरबत वितरण कार्यक्रम खा लीजिए, क्या बात है। हम मैं इंडिया आई न्यूज़ के सभी दर्शकों को बताऊंगा, अरमान जी अपने ही हाथों से लोगों का मुंह भी मीठा करा रहे हैं और शरबत भी पिलाते जा रहे हैं अपने हाथों से, कैसा लग रहा है? आपका मन का भाव क्या जा रहा है? मन का भाव इतना खुशी मिलता है ना कि और हम क्या बोले। देखिए, मेरा पांव में चोट खुला हुआ है, 4 दिन से हम घर पर है, लेकिन कल से मैं बाहर निकला हूँ, कल से कैंपिंग कर रहा हूँ, इलेक्शन भी है, हमारे कैंडिडेट पाथोदा है, वो कैंडिडेट खड़ा हुआ है बेलेपुर लोकसभा में, जो हम लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, और जो है हमें जो घर में रहने के एकदम जमीन आदत नहीं है, लेकिन आज जो है थोड़ा सा मेरा ठीक हुआ। देखिए, निकल के अपना काम करने लगे, फिर से रास्ता पर आ गए, क्योंकि रास्ता में रह के और लोगों के बीच में रह के काम करने में मुझे काफी सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। ये काफी स्वाभाविक काम है कि किसी को पानी पिलाना, ये काफी खुशी का बात है और काफी हम लोग को अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है कि हम लोग बंगाल में रहते हैं और बंगाल में हर तरह से जो है हम लोग सेवा करते हैं। हमारे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पार्थो भौमिक जी महोदय जो कि बैरकपुर के क्षेत्र से एक शानदार लड़ाई के साथ आगे आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम में वे भी आपके साथ आकर के हिस्सा लेंगे? देखिए, हम लोग तो एक सैनिक है और हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, एक महिला होके जिस तरह से बंगाल के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, हम लोग तो छोटा मोटा सैनिक है, तो हम लोग सिर्फ अपने बीच रहते हैं, आवाम के बीच रहते हैं और काम कम जान देते हैं। हम लोग बड़े बड़े इलेक्शन नहीं देते, ये नहीं आया कि इलेक्शन आया है, इलेक्शन आया तो हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग 365 दिन
आपके कर्मी के साथ नजर आते हैं और इलाका के लोग से कल जैसे हम लोग 2 बजे रात तक हम लोग कल सदस्यों में रहे, एक व्यक्ति का शरीर खराब हो गया और उनको ऑपरेशन में भर्ती करके तब हम 1:30 बजे रात में आए और फिर से देखिए हम सुबह सुबह अपना काम में लग गए। अच्छा, इसी प्रकार से आप लोगों को संदेश देना चाहिए कि आप जैसा भावी कार्य कर रहे हैं, दूसरे भी लोग जो अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए बैठे हुए वे भी निकल के कोई सेवा कार्य करें। देखिए ये जो है ये कोई पार्टी अपने जगह पर है, लेकिन हर एक इंसान को सामाजिक काम के लिए हर कोई के रास्ता पर आने चाहिए और इंसान का मदद करना चाहिए, क्यों इंसान का मदद करने के लिए सभी को आने चाहिए। आप सभी को अगर मदद कीजिएगा तो इंसान आप भाईचारा हमेशा बना रहेगा। आप देखिए यहाँ पर ये पानी पिलाना, ये शरबत, ये बताशा खिलाना, ये काफी सवाब का काम है और हम लोग जब तक जिंदगी में साथ रहेगा तब तक इसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे और कितने भी पाव टूट जाए या पाव पाजी हो जाए लेकिन फिर भी अपना काम को हम अंजाम देते रहेंगे और इंसानियत के नाते हम काम करते जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इंडिया न्यूज पे बने रहने के लिए। देखा आप लोगों ने कैसे हनुमान मंडल जी महोदय लगातार आप बसों को रोक करके भी जल वितरण का कार्यक्रम, लोगों को बतासे खिलाना, गाड़ियां रोक करके भी लोगों को पानी पिलाया जा रहा, शरबत पिलाया जा रहा और उनके साथ उनके वार्ड के आसपास के सभी कर्मी लगातार बने हुए हैं और उन्हें लगातार उनका साथ भी दे जा रहे हैं। याद रखिएगा इंडिया आई न्यूज आप सभी को ये सचेत करता है कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, हीट वेव है, इसी प्रकार से लोगों की सेवा में आप भी निकल करके आए और जिस प्रकार हनुमान मंडल जी महोदय आप ये सेवा का कार्य कर रहे हैं टीटागढ़ 4 नंबर के क्षेत्र से, वैसे आप भी अपने क्षेत्र में